वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल एस्ट्रो साई गुरु। आज मीन संक्रांति 2021 के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा, जो कि 14 मार्च को है। और मीन संक्रांति सबसे पहले क्या है, कब है, इसमें क्या वर्जित है, इसमें क्यों मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, सूर्यदेव जब कुंभ राशि से गुरु की राशि मीन में प्रवेश करता है, इस अवस्था को सूर्य की मीन संक्रांति कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल का आखिरी महीना होता है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है, इस कारण से इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। इस साल मीन संक्रांति 14 मार्च 2021 संडे को, जो कि सूर्य का अपना ही वार है, उस दिन पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। तो ज्योतिष में जब सूर्य भगवान जब गुरु की राशि या तो मीन में या धनु में आता है, तो इसे मीन संक्रांति या धनु संक्रांति कहा जाता है। और इससे ये मल मास भी शुरू हो जाता है, जबकि मल मास में जो है मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। तो जो मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं वो क्या हैं, सबसे पहला है देखिए, इसमें नामकरण वर्जित है। दूसरा विद्या आरंभ वो वर्जित है। विवाह संस्कार वर्जित है। गृह प्रवेश वह वर्जित है। वास्तु पूजन वह वर्जित है। इसलिए जो है सारे मांगलिक कार्य वर्जित हैं, और इसलिए जो है ये मलमास का तिथि बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक महीने का। इसके बाद हम आते हैं मीन संक्रांति पर, हम क्या करें जिससे कि हमें शुभ फल मिले सूर्य भगवान का। सबसे पहले है देखिए, आप अपने आराध्य देव या देवी, जिन्हें भी आप जो है जिनकी पूजा आप करते हैं, आप उनकी उस दिन पूजा जरूर करें 14 मार्च को संडे को। दूसरा है सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। अर्घ में जरूर जो है लाल पुष्प जरूर अवश्य अर्पण करें, और सूर्य को जल देते वक्त ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः स्वाहा का मंत्र का जाप जरूर करें। तीसरा है आप इस दिन तिल और वस्त्र और अनाज का जरूर दान करें, और ये बहुत ही शुभ रहेगा। आप जरूर जो भी आप अपने स्वयं के जो मंदिर में हैं जाके दर्शन अवश्य करें, ये बहुत शुभ रहेगा। गाय को जो है हरा चारा जरूर दें इस दिन, जिससे कि बहुत ही शुभ लाभ मिलेगा। पवित्र नदी गंगा यमुना जहाँ भी जो है वहाँ पे आप जाके स्नान अगर हो सके तो कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो अपने घरों पे जो है थोड़ा बहुत गंगा जल डाल के सुबह सूर्य उदय से पहले पहले आप जो है स्नान करेंगे तो बहुत शुभ लाभ रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ एस्ट्रो साई गुरु में हमारा मिशन बीइंग पॉजिटिव है, तो जो मेरे से इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो जी कैन ज्वाइन मी। और जो लोग मेरे से ज्योतिष में परामर्श और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जानकारी ले सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द सक्सेस फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।